Press the bell icon and never miss an update from Tele Masala. कुमकुम भाग्य का स्पिन ऑफ आ रहा है कुंडली भाग्य और उसमें अंजू मेरे साथ है जो सृष्टि प्ले कर रही है राइट क्या कहना चाहेंगे पहला स्पिन ऑफ होगा ये बालाजी का मुझे इसे स्पिन ऑफ नहीं कहना है बिकॉज सी ये जी का एक नया इनिशिएटिव है एंड आई मुझे ये कहना है कि ये एक कुमकुम भाग्य का पैरेलल यूनिवर्स है एक पैरेलल वर्ल्ड है क्योंकि यहाँ पे कुमकुम भाग्य से ही किरदार निकाल कर उनकी जिंदगियों के बारे में कुंडली भाग्य के ज़रिए पेश करने वाले हैं एंड क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट जो है वो नया नया है बिल्कुल एंड इट्स फॉर जी एंड आई हैव वर्कड विद जी बिफोर इन एकता राजा एक रानी सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स लाइक होम कमिंग फॉर मी I'm getting all the warm vibes because people have seen me in Ekta and they know Ekta Raja Ekta Rani. So I'm really excited about Kundli Bhagya and I really wish that jaise Kumkum Bhagya has ruled not only on ZTV but overall like you know in all the GC channels I so wish that Kundli Bhagya does the same. अच्छा प्रज्ञा की बहन का किरदार निभाएंगी आप किस तरह का होगा कुछ कहना चाहेंगे प्रज्ञा की ये सबसे छोटी बहन है जो प्रज्ञा को भी नहीं पता होता है जो प्रज्ञा और बुलबुल है उन दोनों को हम दोनों के बारे में नहीं पता क्योंकि प्रज्ञा और बुलबुल उनकी मामा के साथ रहती हैं और मैं सृष्टि और प्रीता उनके डैड के साथ रहती हैं सो एंड लास्ट तक तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी मामा हैं सो हमें पता चलता है और फिर हम जाकर मुंबई आते हैं हमारी मामा को ढूंढने और जो मेरा किरदार है सृष्टि वो बहुत ही हैप्पी गो लकी यू नो वार्म ब्लडेड लाइक यू नो गरम खून यंगस्टर्स जो आजकल के हैं जिनको लाइक यू नो दे आर इनटू सोशल मीडिया दे आर इनटू यू नो स्नैपचैट इंस्टा फेसबुक दे गो लाइव एनी टाइम एनीवेयर एंड वो बिल्कुल भी वो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट है कि वो बड़े छोटे का लिहाज नहीं करेगी अगर उसको कुछ गलत लगा तो बोल देगी कि सॉरी आप गलत हो भले वो कितने भी बुजुर्ग हों उससे एंड शी वॉन्ट्स टू बी अ मॉडल क्योंकि उसकी हाइट है वो अच्छी लगती है तो उसको लगता है कि लाइक यू नो और हर टीनेज लड़की मतलब मैं जब बचपन में छोटी थी 5th-6th स्टैंडर्ड में मैंने अपने मामा के अंडरगारमेंट्स पहन के मैंने मॉडलिंग की है आईने के सामने तो वो हर लड़की करती है हर लड़की का सपना होता है कि वो एक सुपरस्टार बने एक प्रिंसेस बने एक एक्टर बने एक मॉडल बने सो शी वांट्स टू बी द नेक्स्ट लाइक यू नो शी वांट्स टू बी इन द लाइमलाइट तो इसका कैरेक्टर ऐसा है ओके इसमें एक क्रिकेटर भी है अभी रॉक स्टार भी है तो ये तीन कहानियाँ ये जो चार कहानियाँ हैं किस तरह से मिलेंगी एक पॉइंट पर आके क्योंकि ये कहानी है प्रज्ञा के दो बहनों की तो कहीं ना कहीं हम आगे जाकर प्रज्ञा से मिलेंगे जुड़ेंगे या पता नहीं क्योंकि अभी इट्स ऑन अ वेरी इनिशियल स्टेजेस हमने अभी सिर्फ प्रोमो शूट किया है अभी हमारा शूट बाकी है हमारे वर्कशॉप चल रहे हैं हमारे डायलेक्ट के ऊपर हमारे पॉजेस के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि कब कहाँ कैसे हंसना है या किस पिच पे वॉइस अपने ऊंची करनी है या नीचे करनी है तो हम इनिशियल स्टेजेस पे हैं तो आगे का मैं आपको इतना नहीं बता पाऊँगी बट हाँ मिलेंगे तो ज़रूर क्योंकि कुंडली भाग्य इज़ अबाउट प्रज्ञा's टू सिस्टर एंड हाउ शी मीट्स देम ओके लुक को लेकर क्या कहना चाहेंगे जैसे कि आपने कहा हैप्पी गो लकी है तो लुक भी हमें उतना ही कलरफुल लग रहा है आप कुछ कहना चाहेंगे हाँ क्योंकि वो आज की लड़की है पेपी है 21st century गर्ल तो जीन्स पैंट एंड क्रॉप टॉप और मैक्सी ड्रेसेस तो उसके बहुत ही चर्पी चेयरफुल काइंड ऑफ कपड़े होंगे ओके लास्टली फैंस को कुछ कहना चाहेंगे क्यों देखें कुंडली भाग्य क्यों देखें क्योंकि कुमकुम भाग्य जो कुमकुम भाग्य ने जो एक बेंचमार्क सेट किया है ठीक है और क्योंकि ये कहानी इसी से डिराइव की गई है तो मैं चाहती हूँ कि लोग जितना कुमकुम भाग्य को
लाइक सराहा है, उन्होंने जितना प्यार दिया है उतना ही कुंडली भाग्य को दे। और मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप देखें कि प्रज्ञा अपनी बहनों को कैसे मिलती है, उनके बीच में क्या इक्वेशंस होती है, क्योंकि उनके लिए भी नई चीज़ है, उन्हें भी नहीं पता कि उनकी इतनी बड़ी बड़ी यू नो बहनें हैं ऑलरेडी। सो आई एम रियली एक्साइटेड हाउ ये सारे कैरेक्टर्स, ये किरदार एंटैंगल होके कैसे स्टोरीज निकलेगी। आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई वांट यू गाइस टू सी, हमारा शो आ रहा है 12 जुलाई को 9:30 PM मंडे टू फ्राइडे ओनली ऑन जी टी वी, विच इज़ बैंग नेक्स्ट आफ्टर कुमकुम भाग्य। कुमकुम भाग्य इज़ लाइक 9 to 9:30, हमारा शो 9:30 से आएगा। एंड प्लीज़ आप कुमकुम भाग्य मतलब 9 बजे से आप बैठ जाइएगा टी वी देखने। यस इट इज़ रिप्लेस, या इट्स अ वेरी वियर्ड फीलिंग बट लेकिन मैं चाहती हूँ कि दर्शक 9 बजे से टी वी लगा के रखें और बस 10 बजे तक हिले ही ना टी वी के सामने से, वो दोनों देखें। चलिए थैंक यू सो मच एंड गुड लक। थैंक यू सो मच। कैमरामैन परेश के साथ नेहा अंतानी, टेली मसाला।